पैर की मोच और गंदी सोच इंसान को कभी सफल नहीं होने देती। ये बात किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। जब तुम स्टूडेंट एज में थे तब तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना था, लेक्चर्स अटेंड करने थे, रात दिन मेहनत करके स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना था। ये सब पॉसिबल था अगर एक गंदा विचार मन में ना आया होता। लेकिन जिस एज में तुम्हें एक आदर्श स्टूडेंट बनना था उस एज में तुम अपने मन के बहकावे में आ गए और जवानी के मजे लेने के चक्कर में अपना फ्यूचर नाली में बहा दिया। इंसानी शरीर में अगर वायरस घुस जाए तो उसे बाहर निकाला जा सकता है या फिर सही ट्रीटमेंट के जरिए उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार आपने पोर्न देख ली या फिर किसी एक्ट्रेस की न्यूड तस्वीरें देख ली तो उसके बाद आपके दिमाग में जो विचार जाएगा उसकी ट्रीटमेंट दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये आता है कि पल भर की झूठी खुशी के लिए आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हो। अब जिंदगी की ये सच्चाई जानने के बाद अगर सच में तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर सच में गंदे विचारों से मुक्ति पाना चाहते हो तो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपने सारे काम छोड़ के इस वीडियो पे अपना 100% अटेंशन दो, क्योंकि ये वीडियो आज तुम्हारी दुनिया बदल के रख देगा। हमारा दिमाग एक तरह का स्टोरेज है जिसमें आप कोई विचार स्टोर कर सकते हैं लेकिन कोई विचार प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको कई बार लगता होगा कि यार 15 दिन से मैंने मैस्टरबेट नहीं किया था पर पता नहीं कैसे दिमाग में से एक गंदा विचार बाहर आया और नाइटफॉल हो गया। भाई वो विचार दिमाग ने खुद नहीं बनाया था, वो विचार कहीं बाहर से आया था और दिमाग में स्टोर हो गया था। मैस्टरबेशन और सेक्स जैसी चीजों के बारे में विचार हमारा दिमाग खुद प्रोड्यूस नहीं करता। जन्म के वक्त हमारे दिमाग में अच्छा या फिर कोई बुरा विचार नहीं था, यहाँ तक कि खुद भगवान ने हमारे दिमाग में कोई प्री रिकॉर्डेड मैसेज भी नहीं छोड़ा था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगे आपके सामने अच्छी और बुरी दोनों चीजें आने लगी। आपके कुछ दोस्त मन लगा के पढ़ाई करते थे और कुछ दोस्त सिर्फ गंदी फिल्मों में मन लगाया करते थे। अफसोस की बात यह है कि कच्ची उम्र में सही समझ और नॉलेज ना होने की वजह से ज्यादातर लोग पोर्नो और मैस्टरबेशन की ओर चले जाते हैं एंड देन उनके दिमाग में गंदे कामुक विचारों का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका दिमाग आपका दुश्मन भी है और दोस्त भी। भले ही आप कई सालों से गलत संगत में रहे हो, भले ही आप सालों से मैस्टरबेशन और पोर्न जैसी वाहियात गंदगी अपने दिमाग में डालते आ रहे हो, पर फिर भी आप इन गंदे इन कामुक विचारों से अपने मन को आजाद कर सकते हैं। और अपने माइंड को कामुक विचारों से बचाने के लिए सबसे पहला और सबसे आसान रास्ता है हल्की फुल्की कसरत। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं एंड अचानक से आपके दिमाग में कोई पुरानी पोर्न मूवी चलने लगे तो घबराइए नहीं, कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए या फिर कुछ देर के लिए कहीं बाहर वॉक पे चले जाए। जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे या फिर वॉक के लिए बाहर निकलेंगे आपका दिमाग कामुक विचार से इस विचार पे आ जाएगा कि यार मैंने काफी दिनों से कसरत नहीं की। अगर आप वॉक पे निकले हैं तो आपका ध्यान दूसरी चीजों पे डाइवर्ट हो जाएगा एंड मैस्टरबेशन या पोर्न वाले थॉट्स अपने आप गायब हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा पोर्न फिल्में देखते हैं और अब आप वो सब छोड़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में बार बार एडल्ट थॉट्स आएंगे और आपका पढ़ाई और अपने काम में मन नहीं लगेगा। एट दैट टाइम लाइट एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग आपके दिमाग को उस विचार से डाइवर्ट कर देगी। मैस्टरबेशन ड्रग और बाकी नशीली चीजों की तरह ही है। शुरू शुरू में आप ये सब सिर्फ मजे के लिए करते हैं लेकिन फिर बाद में लत लग जाती है और फिर आपका दिमाग आदत से मजबूर हो जाता है। जब आपको एक बार मैस्टरबेशन की लत लग जाती है तो उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आप रोज सोचते हैं कि आज पोर्न नहीं देखूंगा, आज मैस्टरबेट नहीं करूंगा, आज कोई गंदी फिल्म नहीं देखूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप वही करते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। माय डियर फ्रेंड, नेचर का एक लॉ है, एक आदत से छुटकारा पाने के लिए आपको दूसरी आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में पोर्न सेक्स और मैस्टरबेशन के विचार आना बंद हो जाए तो आपको दूसरी आदत अपनानी पड़ेगी। और इस दुनिया में एक ही ऐसी ताकतवर आदत है जो आपके विचारों को प्रभावित कर सकती है और वो है बुक्स पढ़ना। ये हैबिट इतनी पावरफुल है कि अगर एक बार आपने इसको दिल से अपना लिया तो फिर पोर्न इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा हॉट पोर्न स्टार को देखने के बाद भी आपके दिमाग में कोई दूषित विचार नहीं आएगा। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया के ज्यादातर लोगों को बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप बुक्स सुन तो सकते हैं। आज हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जमाने में जी रहे हैं और कई सारी मोबाइल एप्स है जो बुक्स की ऑडियो समरी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यूट्यूब पे काफी सारे चैनल है जो सिर्फ बुक समरी पे वीडियो बनाते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप एक बार बुक्स रीड करना या फिर समरी सुनना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में आने वाले गंदे विचारों का प्रवाह धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और फिर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही रहेंगे। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये तरीका जरूर काम करेगा। हालांकि गंदे विचारों से आपके दिमाग को बचाने के लिए ये सिर्फ पहला स्टेप है।
है। जब आप काफी सारी बुक्स पढ़ लेंगे या फिर काफी सारी बुक समरीज देख लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे विचारों की बाढ़ आ जाएगी और फिर आपको दूसरे स्टेप पे आना होगा जो है शेयरिंग। मान लीजिए कि आपने कोई पोर्न मूवी देखी, फिर आप क्या करोगे? कहने की जरूरत नहीं है, आप मिस्टर वेट ही करोगे। लेकिन मिस्टर बेसन पे बात खत्म नहीं हो जाती। कुछ दिनों बाद आप अपने दोस्तों से मिलेंगे और अपना एक्सपीरियंस और पोर्न फिल्म के कई सारे सीन अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद आपका माइंड गंदे से गंदे विचारों का घर बन जाएगा। आपके दोस्त आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या फिर आपने जो गंदी फिल्म देखी उस पे अपने गंदे विचार आपके साथ शेयर करेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपके दिमाग में गंदे अश्लील विचारों की बाढ़ आ जाएगी और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं या फिर बुक्स की समरी देखते हैं तो आपके दिमाग में अच्छी बातें आती है जिसे फिर आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड दैट्स वेयर आपकी मुलाकात ऐसे लोगों के साथ होती है जो आपकी तरह अच्छी बुक्स पढ़ते हैं एंड अच्छी बातें शेयर करते हैं और यहाँ से शुरू होता है एक नया साइकिल, अच्छे विचारों का एक चक्र जो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में पल रहे गंदे विचारों को शक्तिहीन और कमजोर कर देगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आप गलती से भी कोई पोर्न फिल्म देख लेंगे तो आपके अंदर गंदा विचार नहीं आएगा एंड बाय चांस आ गया तो आप खुद को कंट्रोल कर लोगे। देखो, एक विचार आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अच्छी बात यह है कि विचारों को कंट्रोल करना हम इंसानों के बस में है। अब तक मेले विचारों ने आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना के रखा था, लेकिन अब आपके विचारों का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। आप अपनी जिंदगी की गाड़ी जहाँ चाहे मोड़ सकते हो। आपको जरूरत है सिर्फ अच्छे विचारों की। तो इसके लिए बुक्स पढ़िए, चुनौतियों को चुनौती देने वाले इंसानों की बायोग्राफी पढ़िए, उनकी जिंदगी में कौन कौन से प्रॉब्लम आई थी ये जानिए। आज भले ही आप खुद को कमजोर या फिर लो सेल्फ स्टीम वाला इंसान समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके दिमाग में अच्छे विचार आने लगेंगे, आपका सोचने का तरीका, आपका बात करने का ढंग, आपके बोलने की शैली सब बदल जाएगी। फिर आप अपने आप में एक ऐसे इंसान को महसूस करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। आपको अपने आसपास की हर चीज अच्छी लगने लगेगी। आप लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चुटकी बजाते ढूंढ लेंगे और तब आपको एहसास होगा कि सच में सिर्फ एक अच्छा विचार इंसान की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।